वेलकम टू आपका पाठशाला और आज की इस वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति लिखना सीखेंगे इससे पहले वाले वीडियो में भारतीय संख्या पद्धति हमने बताया था और आप लोग को उम्मीद करता हूं कि सारे भारतीय संख्या पद्धति को कैसे पढ़ते हैं कैसे लिखा जाता है समझ में आ गया होगा तो चलो आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति भी पढ़ते हैं क्योंकि हमारे दैनिक लाइफ में इसका भी बहुत ही योगदान है आज के ज़माने में ठीक है तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति कहाँ से शुरू होती है एक से कहाँ से एक से एक ये हुआ एक पढ़ने तो आना चाहिए साथ में लिखने भी आना चाहिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक उसके बाद होता है दस उसके बाद दस दस के बाद होता है सौ दस के बाद सौ होता है ये देखो सौ उसके बाद हजार होता है उसके बाद हजार होता है हज़ार हज़ार लिखने का तरीका क्या होता है देखो तीन जीरो से पहले कोमा लगाया जाता है और एक बात सौ को आप दस के पावर दो लिख सकते हो और हज़ार को दस के पावर तीन लिख सकते हो ठीक है हज़ार के बाद अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लाख नहीं आता दस हज़ार नहीं आता है इसमें आता है हज़ार के बाद दस हज़ार आएगा हज़ार के बाद दस हज़ार आएगा सॉरी हजार के बाद दस हज़ार आएगा और दस हज़ार लिखने का तरीका एक पर चार जीरो और तीन जीरो से पहले एक कोमा लगाया जाता है और इसको दस के पावर आप चार लिख सकते हो अब देखो दस हज़ार के बाद हमारा भारतीय संख्या पद्धति में लाख आता है लेकिन इसमें नहीं आता इसमें क्या आता है सौ हज़ार आता है क्या आएगा सौ हज़ार क्या आएगा सौ हज़ार सौ हज़ार कैसे लिखा जाएगा एक पर पाँच जीरो जो हम लोग अपने भारतीय संख्या पद्धति में हम लोग लाख बोलते हैं पाँच जीरो यानी दस के पावर पाँच देखो तीन जीरो से पहले उसके बाद दो जीरो के पहले हम कॉमा लगाएंगे ठीक है याद रहेगा ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग को अच्छे से समझ में बातें अच्छे से आनी चाहिए ठीक है ध्यान रखना हाँ एक मिस्टेक हुआ क्या कि सौ हज़ार है ना ये जो हम कॉमा लगा दिए गलत कर दिए कॉमा नहीं रहेगा कॉमा नहीं रहेगा इसमें क्या होता है आ, भारतीय संख्यापति में कि पहले तीन अंक के बाद उसके बाद दो के बाद लगाया जाता है लेकिन यहाँ पर आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय संख्यापति में तीन के बाद उसके बाद भी तीन के बाद ही लगाया जाता है तीन तो जीरो है नहीं तो कॉमा नहीं लगा सकते अभी सीख जाओगे बहुत ही इजी है सौ हज़ार हो गया सौ हजार के बाद मिलियन सौ हज़ार के बाद आएगा मिलियन मिलियन में क्या होता है एक पर छः जीरो तीन चार पाँच छ इसको दस के पावर छः लिख सकते हो देखो यहाँ पर सीखोगे तीन जीरो से पहले कोमा फिर तीन जीरो से पहले कोमा दो में नहीं होता है इसमें इसमें तीन तीन होता है मिलियन के बाद आता है दस मिलियन मिलियन के बाद दस मिलियन मिलियन के बाद आएगा दस मिलियन दस मिलियन क्या होगा एक पर सात जीरो तीन चार पच छ सात ये होगा दस के पावर सात ये देखो तीन जीरो से पहले कमा तीन जीरो से पहले कमा ठीक है दस मिलियन के बाद आएगा इसमें सौ मिलियन सौ मिलियन सौ मिलियन सौ मिलियन में क्या होगा एक पर आठ जीरो तीन चार पाँच छ सात आठ ये दस के पावर आठ हो गया ये तीन और एक दो तीन देखो तीन तीन के बाद इसमें लगाया जाता है सौ मिलियन के बाद इसमें आएगा बिलियन 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 में क्या होगा बिलियन में एक पर नौ जीरो छ सात आठ नौ यानी दस के पावर नौ तीन 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 के बाद कोमा लगाया जाता है बिलियन हो गया बिलियन के बाद आता है इसमें दस बिलियन दस बिलियन कैसे होगा एक पर दस जीरो चार पांच छ सात आठ नौ दस ये होगा दस के पावर दस इसमें कोमा लगाओ तीन के बाद तीन के बाद तीन के बाद दस बिलियन के बाद आता है सौ बिलियन दस बिलियन के बाद सौ बिलियन ये देखो एक पर ग्यारह जीरो चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह दस के पार एगारह तीन के पहले एक दो तीन के पहले एक दो तीन के पहले सौ बिलियन हो गया सौ बिलियन के बाद इसमें आता है ट्रिलियन 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 में क्या होता है एक पर बारह जीरो चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह यानी दस के पावर बारह ये तीन एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन ट्रिलियन के बाद आता है दस ट्रिलियन दस ट्रिलियन दस ट्रिलियन में क्या होगा एक पर तेरह जीरो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह दस के पावर तेरह इसमें क्या होगा तीन से पा ले तीन के पा ले तीन के पाले अरे तीन, तीन के पाले ये हो गया दस ट्रिलियन के बाद सौ ट्रिलियन होता है सौ ट्रिलियन सौ ट्रिलियन में क्या होता है एक पर चौदह जीरो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह ये हो गया दस के पावर और चौदह देखो तीन के पाले तीन के पाले तीन के पाले तीन के पाले इस तरह से हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रति लिखा जाता है आप लोग को लिखने भी अच्छे से आना चाहिए क्योंकि कोमा बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्स क्लास में पढ़ाया जाता है ऐसे आप लोग को ठीक है तो ये हुआ हमारा अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रति ऐसे हम क्लास सिक्स के बच्चों के लिए स्पेशल हमने पढ़ाया है क्योंकि उन लोगों का बहुत काम आएगा लाइफ में ठीक है तो चलो वीडियो को समाप्त करते हैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा हो थैंक यू सो मच